आपका जो दर्शन जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। पुलवामा के टेंगरा इलाके में बीती रात सैलाबी सूरत हाल से अफरा तफरी मच गई। नाले में तुगयानी से जो रिहायशी इलाके हैं उनमें पानी घुस गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई और फौज और पुलिस बर वक्त मदद को पहुंची। लोगों ने बर वक्त राहत और इमदादी ऑपरेशन पर फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इंतजामिया से नाले पर बंध बनाने की मांग की है। मौजूद है टेंगहारा इलाके में, पुलवामा के टेंगहारा इलाके में। यहाँ पर रात के दौरान जो नाला सासा आ रहा है, इसमें तुगयानी आ गई, फ्लश फ्लड आ गए, जो पानी है वो रिहायशी बस्ती में दाखिल हो गया। उसकी वजह से काफी इलाके में खौफ और हरास पैदा हो गया। आर्मी और पुलिस और इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। तो लेकिन लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, इस तुगयानी के हवाले से, यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तो क्या कहेंगे आपका क्या? जी सर, हम फौज का बड़ा शुक्रगुजार है। वो रात के 11 बजे आए इधर, उन्होंने रेस्क्यू किया, JCB लाया, CO साहब का, खासकर बुनरा कैंप का बड़ा शुक्रगुजार है हम कि वो इधर पहुंचे, उन्होंने इधर की हालत रेस्क्यू किया, इधर लोगों को बचाया, JCB लगाया। इधर मस्जिद जो है, उधर पानी चल रहा था मस्जिद पे, उसको JCB लगाया उधर। बस हम यही चाहते, उनका शुक्रगुजार है हम। तो क्या कहते हैं आप, नुकसान कितना है? नुकसान बहुत नुकसान है। उधर ऊपर से बगीचा है, ये देखो ना, आप खुद देखो, इधर कैमरा घुमा पूरा, इधर अंदर था पानी। इंतजामिया से क्या अपील है आपकी? इधर यही इंतजामिया से अपील है, इधर आओ, इधर देखो, खुद देखो इधर क्या हालत है। इधर इधर जहाँ जहाँ आगे आने का मतलब पानी और आने का खतरा है, उसका वहाँ वहाँ बंध लगाए, रेट लगाए, जिससे दोबारा यहाँ पानी ना आ जाए, लोगों को मुश्किलात ना हो। तो ये है मुकामी लोग, और इनका यही कहना है कि जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फौज ने किया है, फौज ने लोगों की जाने जो है वो बचाई, यहाँ पर रात के दौरान ही जाने बचाई है। तो मगर इनका ये भी मानना है, कहना है कि इंतजामिया से मुतालबा है कि जो सासारा बह रहा है यहाँ से, इनके बस्ती से, इसको हिफाजती बांध की जरूरत है, ताकि जो तुगयानी है वो दोबारा ना आए। फिलहाल खान, न्यूज 18 टेंगहारा, पुलवामा।